अब ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से बहुत सारे लोगों का एक खदशा होता है, एक अंदेशा होता है कि वो ये समझ रहे होते हैं कि जी ऑनलाइन बिजनेस ये या तो ऑनलाइन ट्रेडिंग का नाम है या नेटवर्क मार्केटिंग का नाम है, या जब हम डिजिटल मार्केटिंग की जो है वो किसी को कहते हैं जी हम तो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, वो कहते हैं जी डिजिटल मार्केटिंग शायद ये वही जो हम ट्रेडिंग का काम होता है उसी को उसी की तरफ जो है उनका माइंड जाता है कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इस तरह की चीज़ें हैं, ये फ्रॉड है या इस तरह। तो देखिए ऑनलाइन बिजनेस एक अलग चीज़ है, ऑनलाइन ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है और नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग चीज़ है। अब नेटवर्क मार्केटिंग को मैं थोड़ा सा जो है वो डिफ़ाइन करूँगा ताकि अगर आप लोगों के साथ भी कभी इस तरह के कोई मसले मसाइल हों कि यार हमने आपको कोई इन्वाइट करे और वो आपको कुछ इस तरह की चीज़ें बताएं कि अगर आप हमारे साथ आकर कोई बिज़नेस करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, या हम आपको जो है वो अपना कोई सुपरवाइज़र बना देंगे, ये हो जाएगा, आपको डिफरेंट जो है वो ख्वाब दिखाए जाएंगे। तो हम थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग को जो है वो डिस्क्राइब करेंगे आज ताकि लोगों का एक माइंड क्लियर हो जाए कि जी ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन बिजनेस एक अलग चीज़ है और नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग चीज़ है। तो नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में होता ये है कि आप एक कंपनी है, ठीक है, अब वो कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है लेकिन वो प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल नहीं करती। क्या करती है? डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल नहीं करती, वो अपने कस्टमर बनाने के लिए उनका एक नया तरीक़ेकार होता है। वो तरीक़ेकार ये होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ाती है। कंपनी क्या करती है? एम्प्लॉयज़ को बढ़ाती है। मिसाल के तौर पर मुझे किसी ने कॉल की कि यार मैं जो है वो फलानी किसी कंपनी में हूँ और वहाँ पर जो है वो बड़ा अच्छा है और हमें जो है वो कमीशन मिलती है, हम उनकी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर मैं जाता हूँ तो मुझे सबसे पहले तो ये कन्वेंस किया जाएगा जी ये कंपनी है, इसके इतने बड़े एसेट्स हैं और ये कंपनी ये दे रही है, वो दे रही है, और आपको जो है हम मतलब लोग जो बैठे होंगे वो बता रहे होंगे कि जी हम तो महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं और हमारे कोई इतने स्टार बन गए हैं, कोई 3 स्टार है, कोई 4 स्टार है, कोई ब्रॉन्ज लाइन्स है, कोई जो है वो गोल्ड लाइन है, इस तरह के उनके रैंक्स होते हैं। फिर अब उसमें डिफरेंट सिस्टम होता है। हमारे पाकिस्तान में जो कुछ कंपनियां चली हैं जिसमें उनका मैं नाम भी जो है आपको बताता चलूँ, शुरू में एक कंपनी आई थी शैनल के नाम से, ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनियां होती हैं ये, शैनल के नाम से कंपनी आई थी जो एक मोटरसाइकिल के ऊपर उन्होंने एक कंपनी बनाई थी कि जी आप हमारे पास आ जाओ और हम आपको 9,000 रुपये कुछ 10,000 रुपये लेकर जो है वो हम आपका नाम डाल देंगे, फिर आपको आप अगर एक के बजाय फिर आप 2 कस्टमर और ले आओगे, 2 अपने साथ मेंबर और ले आओगे, फिर हम आपको एक बाइक दे देंगे, फिर वो जो 2 मेंबर हैं वो 2 मेंबर और ले आएंगे, इस तरह आपको भी उसकी कमीशन मिलती जाएगी, लेकिन उसका रेशो बहुत कम होता जाता है, ठीक है। इसी तरह एक कंपनी टाइन्स आई थी, टीएनसी जिसे कहते हैं, टाइन्स ने भी बड़ा लोगों को जो है वो बताया कि जी नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छी फील्ड है लेकिन शर्त ये है कि पाकिस्तान और एशिया के लिहाज से हमें वो गलत गाइड करते हैं। क्या करते हैं? गलत गाइड करते हैं कि हमें वो एक झूठ बोल के हमें सुहाना ख्वाब दिखा के जी मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी तो मर्सिडीज़ आने वाली है, मेरा तो जी फ्रांस का वीज़ा लग गया है, मेरा तो जी रशिया का वीज़ा लग गया है, मैं दुबई का टूर करके आया हूँ और मैंने इतने बड़े ये कर लिए, इतने बड़े वो कर लिए और ऑलरेडी मैं 8 से 10 लाख 12 लाख कमा भी रहा हूँ। तो होता ये है कि वो आपको असल हकीकत नहीं बताते, नेटवर्क मार्केटिंग वाले असल हकीकत बताते नहीं हैं कि आपने करना क्या है। वो आपको या तो बोलेंगे जी हम आपको जॉब दे रहे हैं, अच्छा आप खुश होंगे जी मुझे जॉब मिल रही है, अभी जॉब मिल रही है, कितने की जॉब मिल रही है, आप आ जाओ, शुरू में आप जाओगे आपसे 1800 2000 रुपये इस तरह की फ़ीस ले लेंगे जी, आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, अब आप रजिस्टर हो गए, रजिस्टर होने के बाद जो है वो आपने उनको ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद आपकी ट्रेनिंग रखेंगे जी, हम आपको ट्रेन करेंगे, पहले 1 हफ्ते की 5 दिन की 10 दिन की ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग के अंदर वो आपको अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो प्रोडक्ट उनके पास होती है, जबकि वो जो प्रोडक्ट होती है वो इतनी जो है वो क्वालिटी वाली नहीं होती कि जिसे आप बाहर जो है वो बेच सकें, और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है।
तो वो करते क्या हैं, अब आप तो उनके जो है वो एम्प्लॉई हैं, अब आपको एक लालच दे दी कीजिए हम आपको, अगर आप इस वक्त आप हमारे पास जो है इन हो गए, आपका एक स्टार बन गया, ठीक है। अब अगर आप हमारी प्रोडक्ट ले लेते हैं जो कि 40 से 50 हज़ार रुपये की है, आप शॉपिंग कर लें, आप ले लें, तो होगा ये कि लेने के बाद हम आपको टॉप 3 स्टार में ले आएंगे। अब टॉप 3 स्टार में लाने का मकसद फिर वो आपको बेनिफिट्स बताते हैं, उसी ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि जी जब आप 3 स्टार बन जाते हैं तो हमारा लाहौर का विज़िट होगा, हमारा फलाना जो है वो अंदरूनी जो इन विज़िट्स होते हैं सिटी के अंदर वो आपके फ्री होंगे, आपको हम ये बेनिफिट देंगे, वो बेनिफिट देंगे, इसके अलावा दुबई के टूर्स होंगे, फलाने टूर्स होंगे, उसमें भी आपका जो ख़र्चा होगा वो माफ़ कर देंगे। तो इस तरह की एक जो है वो चीज़ें दिखा के आपको मजबूरन वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। अच्छा, जब आपने प्रोडक्ट ले ली, अब जब प्रोडक्ट ले ली, अब इंसान उस वक्त ये समझ रहा होता है कि जी मैंने प्रोडक्ट लिया, मैं जाके किसी को सेल कर दूंगा तो ठीक है जी मेरे 40,000 वापस आ जाएंगे। लेकिन होता ये है कि वो प्रोडक्ट आप किसी को सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्वालिटी में लो होती है और प्राइस में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर वो आपको ये भी ट्रेंड कर रहे होते हैं कि जी ये बेचनी नहीं है आपने, आप खुद इस्तेमाल करें, आप खुद इसको चलाएं, क्या आप 30-40 हज़ार आप किसको जाके बेचेंगे। अब एक बंदा अगर कहीं से उधार करके, कहीं से जो है वो मांग के वो 30-40 हज़ार की उसने प्रोडक्ट ले ली, प्रोडक्ट लेने के बाद जी चलो जी टॉप 3 स्टार पे वो बन गया, जी 3 स्टार मेरे हो गए, मेरी रैंक बढ़ गई और ये हो गया, अब क्या कर रहे हैं, अब उस बेचारे को धक्के, क्योंकि अब उसके सामने असलियत भी खुल के आ गई और अब वो जाल में फंस गया है। अब जब वो कहते हैं कि जब फंस जाता है तो फिर बंदा यही सोचता है कि जब मैं फंसा हूँ तो मैं चलो 2-4 और को भी लूटूँ, मेरा तो निकले। अब इस तरह क्या करता है, फिर उससे जी ये समझाया जाता है, एक टीम मेंबर होता है, वो टीम मेंबर उसको ग्रुप मेंबर जो होता है वो उनको समझाता है और ये सारी चीज़ें जो है उसको बताता है कि जी आपने पैसे खर्च कर लिए, अब आप ये पैसे ऐसे वसूल करोगे कि आप बंदे ले आओगे, आप 4 मेंबर ले आओ, आपको 4 मेंबर के ऊपर जो है वो परसेंटेज मिलेगी, आपका 24-25 हज़ार कवर हो जाएगा, इस तरह 2-4 मेंबर वो ले आएंगे, आपके पैसे भी निकल दे जाएंगे और आपको इनकम आती जाएगी। अब इसी असना में आपके महीना 2-3 तो ऑलरेडी गुजर ही चुके होते हैं, बजाय आपको कुछ मिलने के आप दे रहे होते हैं उनको। अब मिसाल के तौर पर अगर आपने 40,000-50,000 की प्रोडक्ट ले ली, आप 4 बंदे और ले आते हैं और वो भी जब तक प्रोडक्ट खरीदते नहीं हैं तब तक आपको उसकी कमीशन नहीं मिलती। अगर आप वो 4 बंदे ले आते हो, 4 बंदे भी 50,000 की प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो 2 लाख रुपये तो वो खर्च कर रहे हैं, 50,000 आपने खर्च कर लिया, इसी तरह 5 बंदे मिलकर 2.5 लाख में आपको अपना कारोबार कर सकते हैं। तो होता ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो फ्रॉड समझा जाता है वो यही होता है कि वो आपको हकीकत नहीं बताते कि आपने करना क्या है, आपको स्टेप वाइज बताया जाता है, आप आहिस्ता आहिस्ता उनके पास फंसते चले जाते हो, फिर मजबूर होकर आपको या तो सारी चीज़ें गिवअप करनी पड़ती हैं कि भाई छोड़ दो, खैर बस जो हो गया सो हो गया, या फिर मजबूरन उनके साथ काम करके आप लोगों को इस तरह फिर ले आते हैं, फिर उनको शामिल कराते हैं और ये एक सिलसिला चलता रहता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग चीज़ है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग अलग है, ऑनलाइन बिजनेस एक अलग है। ऑनलाइन बिजनेस में आप किसी को कोई धोखा नहीं दे रहे, किसी को किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, आप जस्ट अपनी चीज़ को सेल कर रहे हैं। आपके पास एक चीज़ है, वो अगर आप फिज़िकली किसी दुकान में रखकर सेल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन चीज़ भी किसी को उठा के दे सकते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई फ्रॉड वाली चीज़ नहीं है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग या इस तरह की चीज़ें हैं तो उसमें लोग समझते बहुत कम हैं, सादे लोग हैं, और आजकल इंसान के अंदर एक मादा वो तो है ही है, शुरू से है लालच का मादा, कि लालच ऐसी चीज़ है कि मैं कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हूँ, मैं कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हूँ, मैं कितना ही ज़माने के पास जो है वो घुमा फिरा क्यों ना हूँ, मैं भी लालच में आ जाऊंगा कि यार मुझे कहीं से 4-5 मिल रहे हैं ना भाई, 5 रुपये हाथ में आ रहे हैं, चलो यार लगा देते हैं, क्या पता निकल आए, क्योंकि वो आपको कन्वेंस इस तरह करते हैं कि आप मजबूर हो जाते हो लगाने में। और मज़े की बात आप लोग बताऊं कि मैं इन सारे प्रोसेस से गुजर भी चुका हूं, मेरे साथ ये सारे सीन हो चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों को तंबीह कर रहा हूं कि अगर कोई इस चीज़ में फंसने के लिए जा रहा है तो इस तरह के डिफरेंट, जैसे कल एक भाई बता रहे थे कि कोई इस तरह की अर्निंग है, इस तरह की, भाई ये अर्निंग वर्निंग
ये बहुत आपको मिलेंगे, सैकड़ों हजारों लाखों ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपको कभी ये चीज़ बताएंगे, कभी ये चीज़ बताएंगे, इससे भी पैसे कमा सकते हैं। इसी पर जब तक आप किसी प्रॉपर वे में नहीं आते, प्रॉपर वे में बिजनेस नहीं करते, प्रॉपर वे में उसको सीखते नहीं हैं, आप एक रुपया नहीं कमाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर कोई ये कहता है कि यार आप घर बैठे इतने पैसे इतने इतने कमा सकते हो, तो घर बैठ के कमाने के लिए सबसे पहले आपने वैसा बनना है, सबसे पहले आपने अपने अंदर वो टैलेंट लाना है, आपने अपने उन चीज़ों को सीखना है कि यार मैं बाद में इस हद तक कर सकूँ कि जी मैं घर बैठ के 2-3 घंटे में अपने काम सारे निपटा के और मैं कुछ कमा लूँ। लेकिन उससे पहले यही कि आपने चीज़ें सीखनी है, और सीखने का प्रोसेस यही है। लेकिन भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ ना जाएं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारे जो एरियाज़ हैं, हमारे जो ममालिक हैं, एशियाई ममालिक, वहाँ पे लोग ज़्यादातर, अब आजकल एक नई आई हुई है, ये टाइम्स भी ख़त्म हो गया, चैनल भी ख़त्म हो गया, आजकल एक आया हुआ है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जी मैं मार्केटिंग में हूँ, और अब मार्केटिंग में तो हम भी हैं, अब मैं भी अपने आईडी के साथ लिखता हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग, मैं भी डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, करते वो भी डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ करते हैं, हम अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, और हमारा एक अलग काम है, उनका एक अलग काम है, हम ई कॉमर्स की मार्केटिंग करते हैं, वो अपने नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। कि एक लड़का आएगा, वो आपको बताएगा जी मेरा तो जी फ्रांस का टूर लगा हुआ है, मेरे पास जो है इतने लाख का चेक आ चुका है, इतने डॉलर्स का चेक आ चुका है, तो उसमें जी मैंने करना क्या है? यार आप एक काम करो, 30,000 रुपये खर्च कर लो, आपके कोई सीसी होते हैं, पता नहीं क्या होता है उनका सिस्टम, वो बढ़ जाएंगे, आपकी रैंक बढ़ जाएगी, कोई कहेगा आपको 80,000 रुपये खर्च करो। भाई देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि बिज़नेस जो भी करो, आप पहले अपनी आँखों से उस चीज़ को देखो कि अच्छा वाकई ये चीज़ हो रही है तो मैं इसके ऊपर हाथ डाल सकता हूँ, ठीक है, चाहे ऑनलाइन बिज़नेस हो, फिज़िकल बिज़नेस हो, कोई भी बिज़नेस हो। जब ये इस तरह की चीज़ों में आप पड़ जाते हो कि चलो यार आपने उसको उन्होंने आपको बड़ा कन्वेंस करके और जो है वो उसमें लाया, फिर आपको शुरू में तो आपको जी आपके एक रुपया भी खर्च नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपने उनकी बात पर एतबार कर लिया, जब आप आहिस्ता आहिस्ता फंसते जाओगे तो मजबूरन वो स्टेप बाय स्टेप आपसे वो पैसे भी निकालते जाएंगे, और उसके बाद आखिर में होगा यही कि जो है वो आप परेशान होगे, अब आपने किसी से ले लिए, किसी से, अब देखें हर बंदा, अब एक अगर स्टूडेंट लाइफ में है या किसी एंटरप्रेन्योर लाइफ की स्टार्टिंग में आ रहा है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो लाखों रुपए खर्च करके और फिर चुप करके बैठ जाए। अगर आप खर्च कर लेते हो तो उसके बाद आपके लिए परेशानियाँ होंगी। तो कोशिश यही करें कि जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं उसको सही से सीखें, और खुदारा ई कॉमर्स को नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ ना मिलाएं, वो एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। इसमें आप फुल एक बिज़नेस करना सीखते हैं, और कैसे बिज़नेस किया जाता है ये हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है।